हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में, जहां पे आप लोगों को मैं ढेर सारी जॉब्स लेके आता रहता हूं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों को और भी ज़्यादा जॉब्स की जानकारियां चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज मैं जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से है, विच इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे एप्लीकेशन मंगवाई गई हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट से, मतलब ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स किसी भी स्टेट के हों वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज नाम ही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो आज मैं आप लोगों को लेटेस्ट वैकेंसीज दिखाने वाला हूँ, तो उसमें आप लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि मेरे पास दो तीन तरह की वैकेंसीज हैं जो ओपन हुई हैं यहाँ पे। कुछ तो प्रोफेसर्स के लिए हैं, कुछ रजिस्ट्रार के लिए भी हैं, तो वो मैं आप लोगों को सारी की सारी वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और जैसे कि आप वैसे ही वेबसाइट से और फोटोग्राफ से पता चल रहा है कि एक वन ऑफ द रिनाउंड नेशनल मतलब इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे काम करने का ही अलग ही मजा होगा अगर आप लोगों की यहाँ पे जॉब लगती है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ कंप्लीट जानकारी। तो फ्रेंड्स, वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन पता करनी हो तो कैसे पता करोगे। तो जैसे ये साइट अभी ओपन हो चुकी है, तो आप इसके बाद क्या करोगे, आप लोगों ने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशंस ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे जो जॉब्स ओपन हुई हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, जैसे रिवाइज प्रोविजन, रोल नंबर वगैरह दे रखा है, फाइनल लिस्ट ऑफ दी मेरिट स्कॉलरशिप ये दे रखा है, ये लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। और इसके अलावा प्रोफेसर्स की जॉब कहाँ है फ्रेंड्स, कई बार मुश्किल हो जाती है कि शायद ये एडमिशन वगैरह के लिए है, ऐसा नहीं है। ये देखिए रिक्रूटमेंट रिजल्ट, अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड भी एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर। अब मैं इस पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, रजिस्ट्रार की भी जॉब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए राष्ट्रीय और प्रौद्योगिक संस्थान कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स, मतलब पूरे देश के जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वेरियस डिपार्टमेंट के लिए इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी जानकारियां और भी आप लोगों को चाहिए वो इस साइट पे जाकर के आपको मिल सकती हैं। बाकी जो द लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 26 अप्रैल 2021 तक है, मतलब 26 अप्रैल काफी टाइम आप लोगों के पास है। और ये नोटिफिकेशन आई हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की तरफ से। तो रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स के लिए, तो सबसे पहले जो प्रोफेसर्स की वैकेंसीज हैं कितनी हैं टोटल, वो है 6 वैकेंसीज। इनमें से ओबीसी के लिए 1 है और अनरिजर्व्ड 5 है, 5 अनरिजर्व्ड है। लेवल 14A में आपका जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा 1,59,100 से 2,20,200 तक। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं वो वेरी करती रहती हैं टाइम टू टाइम सिलेक्शन के टाइम में, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मंगा जो गया है वो जस्ट होल्ड ऑन फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले ये जो हम बात कर रहे थे प्रोफेसर लेवल 14A ऑफ पे मैट्रिक्स है 7CPC में, आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD होनी चाहिए, 10 साल 10 ईयर्स का इसेंशियल रिक्वायरमेंट जो लिखी है, 10 ईयर आफ्टर PhD और 13 ईयर टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 7 ईयर शुड बी आफ्टर PhD, एट लीस्ट 3 ईयर्स एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर विद एकेडमिक ग्रेड पे ऑफ ₹9,500, और 4 ईयर्स एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर विद एकेडमिक ग्रेड पे ऑफ ₹9,000 और कॉम्बिनेशन ऑफ ₹9,000 एंड ₹9,500 और इक्विवेलेंट। इसके अलावा आपकी जो क्यूमुलेटिव एसेंशियल क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के 80 तक होने चाहिए। अब आगे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में के लिए फर्स्ट क्लास बोथ एट यूजी एंड पीजी लेवल 60% और 6.5/10 CGPA होना चाहिए विद PhD इन रिलेवेंट ब्रांच और डिसिप्लिन। कैंडिडेट हैविंग PhD डिग्री डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन
बीई बीटेक के बाद अगर आपने की हुई है फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विल आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर इफ अदर नॉर्म्स आर फुलफिल्ड। इसके अलावा साइंस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास बोथ एट यूजी एंड पीजी लेवल, वो सेम आपका क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका फिर सेम क्राइटेरिया है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपका सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो अगली बात है वो करते हैं फ्रेंड्स। इसमें तो ये आप लोगों का बताया हुआ है क्रेडिट पॉइंट के बारे में, नोट टू क्रेडिट पॉइंट सिस्टम जो रहेगा, एक्टिविटी क्रेडिट पॉइंट्स। तो आप लोगों की वन एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड और ऑन गोइंग, उसके 8 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे पर प्रोजेक्ट एंड 8 क्रेडिट पॉइंट्स पर पेटेंट एज इन्वेंटर। उसके अलावा कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स के लिए 2 क्रेडिट पॉइंट्स एट द रेट ऑफ ₹5 लाख ऑफ क्यूमुलेटिव कंसल्टेंसी अमाउंट इन मल्टीपल असाइनमेंट्स। पीएचडी कंप्लीटेड के 8 क्रेडिट पॉइंट, 1 जर्नल पेपर के 4 क्रेडिट पॉइंट, 1 कॉन्फ्रेंस पेपर के 1 क्रेडिट पॉइंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन, चीफ, वार्डन, प्रोफेसर इंचार्ज, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एडवाइजर, इस तरह की अगर पोजिशन पे आप रहे हैं तो 2 पॉइंट्स पर सेमेस्टर अप टू मैक्सिमम ऑफ 16 क्रेडिट पॉइंट्स। वार्डन, असिस्टेंट वार्डन, एसोसिएट डीन, चेयरमैन और कन्वेनर के लिए 1 क्रेडिट पॉइंट आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, मतलब डायरेक्ट अगर आपकी रिक्रूटमेंट है उसके लिए जो स्पेशलाइजेशन है उसकी बात अगर हम करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 3 वैकेंसीज हैं। तो ये इसका सारा का सारा मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए टोटल 2 यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हुई हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एनक्शर मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, वो आपको इस साइट पे जाके मिल जाएगा। बाकी आपने मेंशन करना है पोस्ट अप्लाइड डिपार्टमेंट एंड डिसिप्लिन ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द एनवेलप, एनवेलप के लेफ्ट कॉर्नर में लिखना है आपने अपनी पोस्ट के बारे में। साथ में आपने एप्लीकेशन फीस लगानी है 1000 रुपीज अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एंड 500 फॉर रहेगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, विच मे बी पेड ऑनलाइन थ्रू एसबीआई कलेक्ट और क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके वो पहुंच जाने चाहिए, शुड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी शुड रीच द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र हरियाणा ऑन और बिफोर 26th of April बाय 5:30 PM। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर लास्ट डेट ड्यू टू पोस्टल कुरियर डिलेज, मतलब आप बाय पोस्ट भेजेंगे इनको तो अगर लेट पहुंचता है फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब ये जो आपका फॉर्म है ये आपने फिल करना है, कौन सी लाइक पोजीशन के लिए, फैकल्टी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो, और यहाँ फोटोग्राफ आ जाएगा, और ये कंप्लीट आप लोगों ने फॉर्म भरना है फ्रेंड्स। और साथ में जो इसके सर्टिफिकेट्स हैं और जितने भी बाकी इंफॉर्मेशन हैं इन फॉर्म्स में, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसमें, और वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे अटैच्ड हैं जिसका मैं लिंक आप लोगों को जरूर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये यहाँ पे बताया हुआ है कि हाउ यू हैव टू पे क्रॉस चेक, कैसा आपका चेक रहेगा, ये सारा ऑनलाइन फी पेमेंट ये बताया हुआ है ना यहाँ पे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑनलाइन जो फीस पेमेंट प्रोसेस चार्ट बताया हुआ है कि इस साइट पे आप जाओगे, फिर आप क्लिक ऑन द बैंक कलेक्ट इन आई, मतलब ये आप लोगों ने साइट पे जाकर के सारी सारी फीस के बारे में आप लोगों को वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो ये 6 पोजीशंस थी जो प्रोफेसर्स की, उसके बारे में जानकारी थी आप लोगों को। उसके बाद देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। तो देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकली हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार, ये भी कुरुक्षेत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कुरुक्षेत्र में निकली हैं, और इसकी लास्ट डेट है 5 मई 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए जो ये जो रिक्रूटमेंट है रजिस्ट्रार की पोस्ट है, इसका जो स्केल रहेगा आपका 1,44,200 से 2,18,200 तक रहेगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का आपका पीरियड रहेगा, और टिल अटेनिंग द एज ऑफ 62, मतलब अगर आप 62 साल तक पहुंच गए तो उसके बाद आप रिटायर कर दिया जाएगा आपको।
डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपकी डेपुटेशन होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी विद एट लीस्ट, ये लिखा हुआ है, मास्टर डिग्री विद एट लीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द यूजीसी 7-पॉइंट स्केल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस होल्डिंग एनोलॉजिस्ट पोस्ट और एट लीस्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एजीपी ऑफ 7000 एंड अबव और विद 8 ईयर्स ऑफ सर्विस इन इन द एजीपी ऑफ रुपीज 8000 और अबव। बाकी कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च और एस्टैब्लिशमेंट वो हो तो अच्छी बात है। 15 साल का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से 8 साल आप डिप्टी रजिस्ट्रार रहे होने चाहिए। डिजायरेबल रहेगा आपका क्वालिफिकेशन इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट या डिग्री और लॉ में अगर आपका आपकी क्वालिफिकेशन है तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन लीगल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट मैटर में अगर आप लोगों का तजुर्बा है तो बहुत अच्छी बात है, प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट जो है 56 ईयर्स तक है, और मतलब आप 56 ईयर्स और उससे नीचे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से तो ऊपर ही होने चाहिए है। और पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी नॉट एप्लीकेबल, मतलब 5 साल का ड्यूरेशन इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है, मिनिमम 5 साल का आपको कॉन्ट्रेक्चुअल रखा जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द सेम फ्रॉम द वेबसाइट www.nitkkr.ac.in। तो इस वेबसाइट पे जा करके आप एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के साथ, वो आपको वहां पे एप्लीकेशन मतलब मिल जाएंगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी सुपर सब्सक्राइब्ड ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन। सेपरेट एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। तो एनवेलप के आपने बिल्कुल लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिखना है उस पोस्ट के बारे में। बाकी आप लोगों ने एप्लीकेशन फीस जो है 1000 पे करनी है एज द केस में भी, दैट इज नॉन रिफंडेबल। द एप्लीकेशन फीस मे बी पेड ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट और क्रॉस बैंक डिमांड ड्राफ्ट लगाना है आपने इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र पेएबल एट SBI NIT कुरुक्षेत्र और एनी अदर नेशनलाइज्ड बैंक एट कुरुक्षेत्र। द ऑनलाइन फी पेमेंट प्रोसेस चार्ट मे बी सीन इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। बाकी इसके अलावा एप्लीकेशंस ड्यूली फिल्ड इन ऑल द रिस्पेक्ट अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट्स एंड द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी ऑनलाइन फी पेमेंट रिसिप्ट शुड बी सेंड थ्रू प्रॉपर चैनल। आपने जो भी पेमेंट 1000 रुपए की 1000 रुपीज की करनी है उसकी फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखनी है और उस रिसिप्ट की जो है फोटोकॉपी जरूर भेजनी है टू द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र हरियाणा सो एज टू रीच ऑन और बिफोर 5th of May 2021 बाय द स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है और ये फॉर्म है जो आपने पूरा फिल करना है जिसको मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जाएंगे तो वहां आपको ये लिंक मिल जाएगा और वहां से आप फिर इसको डाउनलोड करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोफेसर और डायरेक्टर की जो पोस्ट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुरुक्षेत्र में निकली है फ्रेंड्स। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि और लोगों का भी फायदा हो सके, और बेल बटन जरूर दबाएं और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। आज के वीडियो को इसी यहीं पे समाप्त करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।